कीजिएगा। लेटर के कुछ रूल और रेगुलेशन जो सामान्य जानकारी थी वो हमने आपको बता दी, ठीक है। अब ये फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट हमारा जो क्वेश्चन आएगा लेटर का, उस क्वेश्चन को लेटर के रूप में रखने में बहुत ज़्यादा कारगर रहेगा, ये उपयोगी रहेगा। क्योंकि ये परफॉर्मा आपको याद है तो ये मान लो कि आपको 50% इनफॉर्मल लेटर, कौन सा लेटर है, इनफॉर्मल है ना, ये बनाना आ जाएगा। केवल क्वेश्चन में से जो मेन मेन मुद्दा है वो ही यहाँ पे राइट करना है, हम ये आपको कल सिखाने वाले हैं किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। रटना कुछ भी नहीं है, केवल ये ही रिमेम्बर करना बस, बाकी के तो केवल पर्सन का यानी किसी का भी हो, किसी का भी लेटर लिखवा रहा हो इनफॉर्मल में, सबका आप लिखवाओ है ना। क्योंकि आजकल क्या होता है कि स्कूलों में जैसे टीचर बोल देता है कि ये लेटर आपको याद करना है, ये करना, तो फिर अलग अलग फॉर्मेट याद करना पड़ता सभी का, तो वो फिर थोड़ा सा आपके लिए समस्या का विषय रहेगा। ये जो आठ चीज़ें हैं इनको आप ध्यान रखो। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, एड्रेस, और एड्रेस में किसका एड्रेस लिखना है, यानी स्वयं का, किसका लिखना है, स्वयं का। तो एग्जामिनेशन हॉल जयपुर, उसके बाद में एक लाइन यहाँ पे खाली छोड़नी है, आप स्पेस रखना है। और ये जो आपकी इस प्रकार से है ना अक्षर की जो बनावट है बिल्कुल सीधी में होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि आगे पीछे आप कर रहे हो तो शोभा खराब हो जाएगी, इंटरेस्टेड नहीं रहेगा दिखने में भी। उसके बाद में यहाँ पे डेट लिखनी है, डेट आपको दो प्रकार से लिख सकते हो, मार्च 15 उसके बाद में आपको कोमा लगाना होगा, या फिर 15 मार्च उसके बाद में 2000, जो भी हमारी ईयर चल रही है वो आप लिखोगे। ऐसे नहीं कि 2050 लिख दी तो आई हमारे वास मन में, जैसे साथ ही मान लो कि भाई कल परसों की है और आपने कल परसों की डेट तो सही लिख दी लेकिन सन 2050 की लिख दी, बदल जाएगा। तो फ्यूचर की तो डेट लिखनी नहीं है आपको, फ्यूचर की कब लिखनी है, जब जैसे मान लो किसी की शादी दो चार दिन का या सात दिन पहले लेटर भेज रहे हैं तो उसमें आप मेंशन कर सकते हो, लेकिन वो भी साल नहीं बदलेगी, क्योंकि साल भर पहले आपको इन्विटेशन थोड़ी ना भेजेंगे, डेट चेंज हो सकती है, तो ईयर आपको विशेष ध्यान रखना है ना, ज़्यादा चेंज नहीं करना। उसके बाद में फिर से आपको यहाँ पे एक पंक्ति खाली छोड़नी है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे सैल्यूटेशन इन संबोधन जो शब्द है वो माय डियर, अब यहाँ पे जो भी रिलेशन है जैसे फादर है, उसके बाद में अंकल है, आंट है ना, फ्रेंड है, जो भी आप यहाँ पे रिलेशन के रूप में जिसको भी लिखना चाहते हो वो आप राइट कर सकते हो। उसके बाद मैसेज, जो भी आप मैसेज देना चाहते हो, ये मैसेज तो सभी लिखना है कि आई एम क्वाइट वेल हियर, मैं यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ, एंड आई होप यू, यानी आई होप दैट यू आर ऑल्सो सेम देयर, और आशा करता हूँ कि आप भी वहाँ पर मेरी तरह खुशी होगी, ये लाइन तो सभी भी लिखना है, ठीक है। उसके बाद जो समस्या है जो भी हाँ वो यहाँ पे राइट करनी है, कल हम आपको बताएंगे इसके बीच की हेडिंग जैसी भी आपको लिखनी है। प्लीज पे माय बेस्ट रिगार्ड, कृपया मेरा प्यार भरा जो सम्मान है टू योर पेरेंट्स, इन तुम्हारे माता पिता एंड लव टू, जो भी आप यहाँ पे नाम राइट करना चाहते हो, जो उसमें लेटर में आया है, क्वेश्चन में आया है, वो ही नाम यहाँ पे राइट करोगे है ना, एक्स वाई जेड जिसका भी नाम वहाँ पे आया है। उसके बाद में पार्टीज एंड, यानी जो संबोधन शब्द है उसका जो अंतिम रूप है वो किस प्रकार से हमें लिखना है, यानी विथ बेस्ट विशेस या फिर विथ रिगार्ड्स। उसके बाद में सब्सक्रिप्शन, यहाँ पे यू आर लविंग या यू आर फेथफुली, यू आर सिंसियरली है ना, इस प्रकार से, या ट्रूली, ये सब आप राइट कर सकते हैं। उसके बाद में सिग्नेचर में यहाँ पे आप जो भी लेटर लिख रहा है, जैसे इमेजिंग दैट यू आर रमेश, तो यहाँ पे रमेश का नाम लिखना पड़ेगा जो क्वेश्चन में आया है, ठीक है ना, वो नाम यहाँ पे लिखना पड़ेगा, अर्थात दोनों जगह नाम लिखना है। यहाँ पे आप यस को उस प्रकार से जो भी आप सिग्नेचर करो वो सिग्नेचर कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे नेम लिख दो, शायद मुझे लगता है कि शायद समझ में आ गया होगा, लेकिन समझ में आ गया ये बेहतर अच्छी बात है, लेकिन याद करना ये इम्पोर्टेंट है, इनको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है।